वीटा प्लांट की तरफ से तकरीबन तकरीबन हर गांव में सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, जिनमें ऐसा होता है कि जो भी जिस भी गांव में जो लड़कियां अच्छे अंक प्राप्त करती हैं उनको वीटा प्लांट की तरफ से जो स्कीमें चलाई गई हैं उनके द्वारा सम्मानित किया जाता है। फिलहाल चौशाला गांव में हम मौजूद हैं और चौशाला गांव की सम्मानित पंचायत को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साथ में उन लड़कियों को देख सकते हैं जो अभी अभी सम्मानित हुए हैं वीटा प्लांट की तरफ से। फिलहाल तस्वीरों में आप BMC का वीटा प्लांट गाँव चौशाला से देख रहे हैं और इस कड़ी में फिलहाल ये देखा जा रहा है कि गाँव में बेटियों की शिक्षा को लेकर कितना ध्यान दिया जा रहा है। और इस कड़ी में BMC संचालक भी मेरे साथ मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम जी। ये बताएं किस एवज में आज सम्मानित किया गया है बेटियों को? वीटा मिल्क प्लांट की तरफ से, कुरुक्षेत्रा की तरफ से, हरियाणा डेयरी की तरफ से कुछ स्कीमें हमने चलाई हुई हैं, जिसमें से एक स्कीम ये है कि जो सदस्य हमें दूध दे रहे हैं वो सोसाइटी के मेंबर्स होने जरूरी हैं, जो वीटा सोसाइटी में दूध सप्लाई करते हैं उनके बच्चे, चाहे वो बच्चियाँ बेटियाँ हैं चाहे वो बेटे हैं, 10वीं और 12वीं के जो छात्र उनके 80% से ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, 10वीं वालों को उनको हम सम्मानित करते हैं, 2100 रुपये का चेक देते हैं, और जो 12वीं के बच्चे 80% से ज़्यादा नंबर से लेके आते हैं उनको हम 5100 रुपये का चेक देते हैं। तो जिसमें से आज हमारी गांव चौसाड़ा में चौसाड़ा राजमल महिला समिति जो चल रही है, जिसमें हमने BMC भी लगाई हुई है मिल्क प्लांट की तरफ से, 15 लाख रुपए की लागत से गांव में हमने ये मशीन लगाई हुई है जो कि यहां दूध मौके पे दूध ठंडा करती है और लगभग आज के दिन 2000 लीटर दूध हम यहां इकट्ठा कर रहे हैं। तो आज हमने उन जो सदस्य यहां दूध दे रहे हैं उन सदस्यों में से हमने आज जो है 9 बच्चों को जो +2 के हैं उनको 5100 रुपये के चेक बांटे हैं, जो कि 45900 रुपये की राशि बैठती है, और उनमें से 4 बच्चे जो कि मैट्रिक के हैं उनको 2100 रुपये के चेक हमने 4 बांटे हैं। टोटल 13 बच्चों को हम 54300 रुपये के चेक वीटा मिल्क प्लांट कुरुक्षेत्रा की तरफ से हम आज दे के सम्मानित कर रहे हैं, और मैं बच्चों को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये आज प्रतिस्पर्धा का दौर है और ये आज जो बच्चे हैं हमारा, ये कोई राशि कोई ज़्यादा ये नहीं है कि इनका वो चलेगा, एक प्रोत्साहन है कि आगे भी इस गांव के बच्चे और एरिया के बच्चे जो हैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर्स लेके आगे आएं और उनको सम्मानित किया जा सके। जी, गांव राम के सदस्यों से भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। नमस्कार जी, आपके गाँव के बच्चे आज सम्मानित हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत गर्व महसूस हुआ है, और ये आयोजन है जो वीटा डायरी की तरफ से हर साल होता है, और मेरे गांव की, मैं तो बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे गांव की बच्चियां हैं जो आज इतनी आगे हैं कि उनके मीडिया में भी और प्रशंसा की पात्र हैं वो। और मेरा हर परिवार से, गांव के हर परिवार से अनुरोध करता हूँ कि वो प्राइवेट दूध सप्लाई करने की बजाय एक वीटा डायरी से जुड़े। इसमें इस तरह की और भी कई तरह की स्कीमें हैं, उसका गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की है उनका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और इसका मैं इस आयोजन पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने जो संजीव कुमार जी हैं जी, इसके संचालक जी, और मैनेजर साहब हैं जो आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। आप भी कई सालों से इस BMC को चला रहे हैं, हर साल ये आयोजन होता है आपके मार्फत, क्या कुछ कहेंगे? भाई साहब, आपका यहाँ पहुँचने पर आपका धन्यवाद जी। हम 2010 से रजिस्टर्ड संस्था चौसाला में आपके कार्य कर रही है, जो भी अपने पुराने कस्टमर हैं दूध देते हैं रूटीन में, अच्छा दूध देते हैं, उनको ऐसे ही हर साल स्कीम दी जाती है, ऐसे ही हर साल 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के चेक वितरण किए जाते हैं जो पुराने कस्टमर चल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट की कई स्कीमें चलाई हुई है, जिसमें ये कई स्कीमें दे ही है, पहले भी कई बार देते हैं, कन्यादान योजना भी है और बीमा दुर्घटना योजना भी है, ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जिसको हम समय समय पर कागज़ लेकर और महकमे की तरफ से स्कीम दिलाते हैं। गांव को कुछ संदेश देना चाहोगे इस मौके पे? नहीं, जो भी संस्था से जुड़ता है, जो प्राइवेट दूध ना बेचकर अच्छे दामों पे दूध बेचता है उसको हम स्कीम दिलाते रहते हैं, उनको फायदा मिलता है, किसानों के लिए योजना चलाई जाती है। चलिए, कुछ लड़कियां भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आप वो लड़कियां हैं जो आने वाली पीढ़ियों को मैसेज देंगी कि आपने भी पढ़ाई की थी और आने वाली बेटियां भी पढ़ाई करें, क्या कुछ कहेंगी, क्या आप करियर बनाने की इच्छुक, क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम रितु और मैं चौसाला की निवासी हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सभी को ऐसे ही पढ़ना चाहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहिए जिस तरह मैंने किया मेरे मम्मी पापा का। गुड़िया, आप कुछ कहोगे? क्या नाम आपका? मुस्कान। मुस्कान, आप सम्मानित हुए, क्या बनने की इच्छुक हैं आप? मुझे SSC GD में सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन चाहिए, चलिए शुभकामनाएं आपको। आपको गुड़िया नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान नाम है, क्या बनने की इच्छुक हैं?
विदेश। अच्छा, आप आईलेट्स और पीटी की तैयारी कर रहे हैं, विदेश में अपना करियर बनाने की इच्छुक हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी गुड़िया, अगर कुछ बात रखने की इच्छुक हो आप। मेरा नाम साधना है जी, मैं यहीं चौसाला की निवासी हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हैं आप, पहले भी सम्मानित हो चुके हैं वीटा प्लांट की तरफ से। कैसे देखती है इस वीटा सोसाइटी को, जो हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेके आती है? बहुत अच्छा है, मतलब सबको जो मेहनत करता है उसको सम्मानित किया जाता है, आगे प्रोत्साहन मिलता है। तो मेरे को 10वीं क्लास में भी मतलब इन्होंने सम्मानित किया था, और आगे भी मतलब करते रहते हैं सभी के लिए जी। देखिए, आप दो रह गई हैं, कुछ बात करने या रखने की इच्छुक हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि सभी अच्छे से पढ़ाई करें और माँ बाप का नाम रोशन करें जी। आप रह गई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया है। ये वैसे मेरे लिए नहीं है, मेरे भाई के लिए है। ये लड़कियाँ ही नहीं आगे जाती है, बल्कि लड़के भी बहुत मेहनत करते हैं, इन्हें भी सपोर्ट मिलना चाहिए। स्पेशल लड़कियों के लिए नहीं होता सब कुछ, मेहनत तो ये भी करते हैं ना। ठीक है, तो वजीफा जो है लड़कों के लिए भी है। कौन रह गए? आगे आ जाएं जो भी रह गए हैं साथी। अच्छा, आपको भी सम्मान। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्य है, मैं चौसाला का निवासी हूं और मैं फिलहाल आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं। आईआईटी की तैयारी कर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही अपना करियर बनाएं। फिलहाल तो इस इनिशिएटिव को, वीटा प्लांट को अच्छे नज़रिए से ही देखना चाहिए। और भी जो लड़कियां हैं, जो भावी मेधावी छात्र हैं, वो भी इसके माध्यम से निकल कर आएंगे तो और भी अच्छा महसूस होगा। फिलहाल तो गाँव गुहांड को अच्छा मैसेज देती है वीटा की ये सोसाइटी। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय।